होती है। ओके क्लॉक टिक्स, गुड। तो हमें थैंक क्लॉक यू के ही सर। बारे में पढ़ना है, टिक टिक टिक। यस सर। ओके, यस। आपके दोनों में लिंक चला गया है ना? यस सर। सब लोगों को ओके, ठीक। मैथ मैजिक, चैप्टर नेम टिक, टिक टिक टिक, इट इज अ साउंड, साउंड नेम टिक टिक टिक। वेर इज हियरिंग दिस साउंड? इन वॉच, वॉच में होता है। जब आपके पास, फर्स्ट ऑफ ऑल बुक्स पे अभी नहीं आ रहा हूं मैं, फर्स्ट ऑफ ऑल वॉच में देखा जाए तो कितने हैंड्स होते हैं, हाउ मेनी हैंड्स। सपोज मैंने एक वॉच बनाया, इसमें कितने होते हैं? टू हैंड्स, ए स्मॉल हैंड एंड बिग हैंड। यानी घड़ी सुइयां जो हैं, दो सुई होती है ना, तो हम उन्हें हैंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फर्स्ट इज ए स्मॉल हैंड, इट इज सो द आवर। क्या शो करती है? आवर्स को, घंटे को। एंड बिग हैंड सो द मिनट्स। किसको शो करती है? मिनट्स। अंडरस्टूड? यानी स्मॉल हैंड है, हमें शो करती है। सपोज मैंने स्मॉल हैंड यहां बना दिया, बिग हैंड्स इन 12 प्लेस, इट इज 3, हियर इज 6, हियर इज 9। यही होता है ना, बीच में आप इसे फिलअप कर सकते हो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 and 11। तो हमारे पास स्मॉल हैंड इज शो द आवर्स, किसको शो करता है? आवर्स को, और बिग हैंड्स मिनट्स को। ठीक है, आपने वॉच किया होगा कि घड़ी में जो 12 है मिनट, हम आते हैं बिग हैंड पे पहले। फर्स्ट ऑफ ऑल विच हैंड? बिग हैंड। स्मॉल हैंड तो आपको क्लियर हो जाएगा कि वो आवर्स को शो करता है। यहाँ पे 12 to 1, यहाँ पे हमने 1 लिखा है, इसके बीच में छोटे छोटे डैश होते हैं। हाउ मेनी डैश? 5, 1, 2, 3, 4 एंड इट इज द 5। यानी ये क्या शो करता है? 12 to 1 या 1 to 2, इट मीन्स 5 मिनट्स। अगर 1 से 2 पे गया तो इट मीन्स बिग एंड क्रॉस 5 मिनट्स। कितना मिनट्स? हाउ मेनी? 5 मिनट, 5 मिनट क्रॉस कर गया हो। अगर 3 पे आ गया इट मीन्स 15 मिनट्स, 4 पे 20 मिनट्स, 5 25, 6 30, 7, जस्ट मल्टीप्लाई द डिजिट 5, 5 टाइम्स मोर हो जाता है। यहाँ क्या हो जाएगा? 5 मिनट्स होगा, या 10, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 20 25 30 35 40 45 50
55 and 60 yani 1 hour is equal to how many minutes 60 minutes kitne minutes 60 minutes how much 60 minutes ab aapke books pe शॉर्ट मैंने अभी हम लोग घड़ी बनाएंगे देखेंगे बिग एंड स्मॉल एंड दोनों आपको बनाने को मिलेगा बुक में यहां पे पंपोस एंड साजिया वे आर डिस्कसिंग हुज होम इज फार्दर फ्रॉम स्कूल किसका घर स्कूल से ज्यादा दूर है स्कूल से ज्यादा दूर है दोनों डिस्कसिंग किस पे कर रहे हैं डिस्कस अबाउट हु इज फार्देस्ट फ्रॉम द स्कूल ओके यानी सबसे दूर से कौन आ रहा है यहां पे अब आइए आई हैव टू वॉक फॉर 5 minutes to reach school. I have to walk for 5 minutes to reach school. Who? Pompous. But Sajas tell, I just walk for 2 minutes to reach school. मैं 2 minutes में walk करते हुए school पहुंच जाते हैं. But Impossible. Your home is farthest from the home. Impossible. Asambhav hai. Impossible means asambhav. Your home is farthest from school. Tumhara to ghar bahut dur hai school se. But I checked my watch. Who says? Sajia. Maine apne watch ko kya kiya hai? Check kiya hai. I start from school at 7 o'clock. When I reach school, the minute hand points at 2. Yani, wo ghar se chalti hai jab what? टाइम 7 यानी स्मॉल एंड इन 7 हियर इज 6 हियर इज 3 9 12 क्या कर रही है द मिनट हैंड पॉइंट्स ऑन 2 विच पॉइंट्स पे रहता है किस पॉइंट पे 2 पॉइंट पे यहां मान लो आप 1 इट इज 2 यानी मिनट हैंड Where is? 2 पे किस पे 2 अब आइए सो शुड इट बी 2 मिनट पास्ट 7 इट इज राइट साजिया इज राइट नो अभी हमने क्या बताया विच ड्यूरिंग द बिग हैंड व्हाट इज So the minutes, one digit, one point to another point, yani 1.1 and second point 2. It means how many minutes take? 10 minutes, na? Why? Because 2 multiply 5 is equal to 10 minutes. Hoga? But Sajia kya kar rahi hai? Ki 7 minutes passed. Yahan pe dhyan dena. 2 minutes past 7. कैसे टाइम बता रही है 2 मिनट पास्ट 7 एक दिन आपको मैं बताया था कि सब फर्स्ट ऑफ ऑल घड़ी देखना हमें सीखना है तो हम बुक्स अभी रख रहे हैं पास्ट और 2 समझ रहे हैं एक दिन बताया था मैं फिर भी लेकिन उस दिन पढ़े नहीं थे हम लोग अच्छे से अब आइए पास्ट किसे बोलते हैं और 2 अब मैंने इसे हाफ कर दिया इस वॉच को हाफ कर दिया इधर कौन से डिजिट रहेंगे देखो तो हियर इज 12 1 2 3 4 5 6 यहां 3 है 4 5 2 1 हाउ मेनी डिजिट 12 के बाद
1, 2, 3, 4, 5, 6. ये जो पोर्शन होता है बेटा, जितना हाफ मैंने किया है इस साइड राइट साइड, ये पास्ट है. अभी मैं बताऊंगा इसे डिस्क्राइब कर. पास्ट हेयर इज सो टू, क्या करेंगे टू, समझना ध्यान से. यहां हो गया हमारा 7, 8, हेयर इज 9, 10 एंड 11. वन टू थ्री फोर फाइव, यानी ये हमारे टू में आ जाएंगे. किस में आ जाएंगे? टू में. अब बिग हैंड पे आइए और स्मॉल हैंड्स पे. ठीक, अगर सपोज मैंने स्मॉल हैंड 7 पे कर दिया, किस पे? 7 पे. बिग हैंड्स फोर पे. वेयर इज फोर पे. अब मैं लोगों से पूछ रहा हूं, जस्ट आई अनम्यूट यू, व्हाट इज टाइम शो दिस वॉच? यस, क्या टाइम, क्या टाइम शो कर रहा है? 7:24, 7 मिनट. No. Just I am meet you. आइए अब इसको पढ़ते हैं. It is wrong process of. देखो past minute hand is in four. किस पे है? फोर पे. यानी 20 मिनट पास्ट. हम क्या बोलेंगे इसे? मिनट्स कितने हो गए? 20 मिनट. तो हम टाइम इस तरह बोलेंगे कि 20 मिनट्स पास्ट 7. 20 मिनट्स पास 7. It is wrong. अगर आप बाहर जाओगे, ठीक है, इन आउटसाइड दिल्ली जाओगे या किसी मेट्रोपॉलिटन सिटी में जाओगे, तो वहां पे आपसे टाइम जब पूछा जाएगा और जब आप बताओगे कि 7:20, इट इज रॉन्ग. ये गलत होगा, ठीक है. ये क्या होगा? रॉन्ग. हम क्या बोलेंगे? 20 मिनट पास 7. यानी 20 मिनट बीत चुके हैं. पास मतलब बीत गया है. आप इंग्लिश में पढ़ते होगे, टेंस पता नहीं अभी पढ़े हो कि नहीं. पास्ट, पास्ट मतलब बीता हुआ. टेंस पढ़ते हो आप इंग्लिश ग्रामर में? पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, प्रेजेंट टेंस. तो प्रेजेंट इज दिस, नाउ इज गोइंग ऑन. पास्ट इज बीत गया एंड फ्यूचर इज कमिंग. फ्यूचर आपको आने वाली. यहां मैं पास्ट वही ले रहा हूं कि बीत चुका है. यानी हाउ मेनी मिनट्स पास्ट? 20 मिनट्स. अगर ये बिग हैंड्स 3 पे हो जाए तो 15 मिनट पास 7. ठीक, अब आइए, आप हम इधर आ रहे हैं
टू पे, टू ही थोड़ा सा कठिन है, आपको इसको समझना होगा। हम किस पे आ रहे हैं? फिफ्थ डिजिट टू पे। चलो पास्ट और समझ लो, वन पे रहेगा तो फाइव मिनट पास्ट सेवन, टू पे रहेगा तो टेन मिनट पास्ट सेवन, थ्री पे क्वार्टर पास्ट बोल सकते हो, क्वार्टर मतलब 60 मिनट्स का टोटल 60 मिनट्स, तो क्वार्टर मैंने हो जाता वन फोर्थ, क्वार्टर मीन्स वन बाई फोर। हम लोग फ्रैक्शन जब पढ़ेंगे तो बताएंगे वन बाई, व्हाट इज वन बाई फोर, क्यों क्वार्टर में बोल रहा हूँ। आप 15 मिनट भी बोल सकते हो, क्वार्टर नहीं समझ में आ रहा है तो 15 मिनट पास्ट सेवन, 20 मिनट पास्ट टू सेवन, 25 मिनट पास्ट टू सेवन एंड हाफ 30 मिनट पास्ट। अगर बिग एंड्स कहाँ आ जाए, इन सिक्स, इसमें इट मीन्स हाफ आवर पास्ट, आप ये भी बोल सकते हो हाफ आवर पास्ट, या ये भी बोल सकते हो 30 मिनट्स। जैसे हमने यहाँ क्वार्टर लिया, बोल रहा था ना क्वार्टर, ये हाफ आवर बोल रहा हूं मैं, यानी हाफ आवर समझ रहे हो ना, वन बाई टू आवर, हाफ आवर आधा घंटा हिंदी में, तो एक घंटा यानी 30 मिनट हुआ, 60 मिनट्स इज इक्वल टू वन आवर होता है यहाँ पे, तो 30 मिनट्स इज इक्वल टू वन बाई टू यानी हाफ आवर हम बोल रहे हैं, हाफ आवर, ठीक है। तो यहाँ हाफ आवर भी बोल सकते हो या 30 मिनट पास्ट सेवन, 30 मिनट पास्ट सेवन। तो इसको जब बोलने की आदत डालोगे आप, हैबिट में प्रैक्टिस में लाओगे तो आप बोल पाओगे। ये सही नहीं है कि 7:30 या 7:30 या 7:20, इट इज रॉन्ग। ये हमें टाइम देखने का ये सही तरीका नहीं है। हम अब आइए टू पे, किस पे आ रहे हैं हम, टू। टू पे इस पे मैं सारा हटा रहा हूं अंदर से, डिजिट आपको दिख रहा है। अब मैं आ गया स्मॉल एंड, स्मॉल एंड को मैं रख रहा हूं फाइव पे, ठीक है, फाइव और सिक्स के बीच में, किसके बीच में, फाइव और सिक्स के बीच में। और यहां बिग एंड मैं ले चल रहा हूं नाइन पे, किसके, नाइन, बिग एंड विच पॉइंट, नाइन पॉइंट, ठीक है। अब देखो यहां टू हमें बोलना है, ये मैंने बोला था कि ये हाफ पोर्शन डिस्टर्ब होगा, चलो इसे मैंने हाफ को इधर रखा था पास्ट, इधर रखा था टू। अब आइए हमारा नाइन है, तो हम देखो बेटा अगला डिजिट क्या है आवर्स का, सिक्स है, यानी छह बजने में कितने मिनट बाकी हैं, 15 मिनट। हमारा स्मॉल हैंड जो है क्रॉस द फाइव पॉइंट, क्रॉस द पॉइंट फाइव, ये पॉइंट फाइव को क्रॉस कर चुका है और सिक्स पे पहुंचने वाला है, यानी छह बजने में कितने मिनट बाकी हैं, 15 मिनट्स, बिकॉज योर बिग एंड इज विच पॉइंट, नाइन, यानी ये बिग एंड 12 पे चला जाएगा तो 6 बज जाएगा। तो हम इसे पढ़ेंगे 6 o'clock टू क्वार्टर टू सिक्स, क्वार्टर टू सिक्स क्या पढ़ेंगे, या 15 मिनट टू सिक्स क्या पढ़ेंगे हम, 15 मिनट टू सिक्स ओ क्लॉक आप पढ़ सकते हो, 15 मिनट यानी 15 मिनट में टू, टू का मतलब समझ रहे हो, आगे हम बढ़ रहे हैं, यानी 15 मिनट टू 6 o'clock, यानी आगे टाइम हम ले रहे हैं, फिर 5 नहीं बजा रहे हैं। आप हिंदी में बोलते हो 5:45 बोलते हो ना, 5:45 मिनट हम ये नहीं बोल रहे हैं, हम क्या बोल रहे हैं,
15 मिनट टू 15 मिनट में क्या बच जाएगा? 6. योर वॉच इज शो द 6 o'clock, ये 6 पे पहुंच जाएगा. ठीक. अगर सपोज दूसरा एग्जांपल मैं दे रहा हूं, ये 2 हटाओ. अगर बिग हैंड्स यही है 7 पे आ गया. ठीक. हाउ मेनी, कितने मिनट बाकी हैं 6 बजने में? 25 मिनट्स. देखो तो 1 2 3 4 5 6 हो जा रहा है. नो, 25 मिनट 1 2 3 4 5. 7 पे तो ऑलरेडी है, नेक्स्ट इज 8 9. 1 2 3 4 5, 5 स्टेप, 5 पॉइंट है हमारे पास. तो 5 5 25, यानी 25 मिनट. हम अगर आपसे पूछेंगे तो आप कहेंगे 5:35. आप क्या बोलते हो? 5:35, यही बोलते हो ना? लेकिन हम क्या बोल रहे हैं? 25 मिनट टू 6. क्या हो जाएगा? नेक्स्ट डिजिट को लेंगे इसमें बेटा, जो अगला आवर है उसे लेंगे. 2 में हमेशा, पास्ट में नहीं. यही अंतर है पास्ट और 2 में, यही डिफरेंस है. व्हाट इज डिफरेंस? पास्ट एंड 2 में, 2 में हम हमेशा नेक्स्ट आवर्स को लेते हैं. यानी 25 मिनट टू 6, यानी हमारा क्या, कोई पूछेगा तो आप क्या बोलोगे? 25 मिनट बाकी हैं क्या टू 6, 6 बजने में. 25 मिनट्स टू 6, 25 मिनट टू 6 आप बोलोगे. 25 मिनट टू 6. अगर बिग सैंड 11 पे चला गया, किस पे? 11 पे. तो ओनली 5 मिनट्स. 6 बजने में अब कितने हैं? नियर अबाउट अब 6 बजने वाला है. 5 मिनट्स बाकी हैं. कितने मिनट्स? 5 मिनट्स लेफ्ट. तो आप क्या लिखोगे? 5 मिनट टू हाउ मेनी, यहां से यहां पहुंचने में कितना टाइम लगेगा मिनट हैंड को? ओनली 5 मिनट्स, ओनली 5 मिनट्स. तो 5 मिनट्स टू 6. अंडरस्टूड? अनम्यूट कर रहा हूं, आप बताओ मुझे. यस. माय वॉइस इज क्लियर? सुन रहा बेटा? Yes. Yes. Yes, आप समझ रहे हैं कि टू और पास्ट? यस सर, एक बार सबसे पूछ लीजिए. नहीं पूछूंगा मैं आपके. आप जैसे ताजिया बोल रही है, लिसन टू मी, इन योर बुक सो शुड इट बी 2 मिनट पास 7, 2 मिनट पास 7. यहाँ क्या सही उत्तर है? 10 मिनट पास 7. 10 मिनट पास 7. 2 नहीं, से पास. हाँ. दो बज के आपको प्रैक्टिस करना, एक दिन में नहीं होगा. जब आप वह घड़ी में देखोगे और इस पे ट्राई करोगे, ठीक है, तब होगा. एक दिन में नहीं सीख जाओगे. 25 मिनट टू 6, 5 मिनट टू 6, क्या इधर पास्ट में आ जाओ? 7 मिनट, 10 मिनट पास्ट टू 7, 10 मिनट पास्ट टू 7, या 25 मिनट पास्ट टू 7. ठीक है, इस तरह है बेटा. जब हम आगे आपके बुक्स में है, हियर इज नेक्स्ट पेज पे आ रहा हूँ. यस. जब छोटी वाली स्मॉल हैंड 7 पे रहेगी और बड़ी हैंड 2 पे, तो क्या बोलेंगे? एक मिनट बेटा. हाँ बोलो. क्या
थर्ड का नहीं होगा सर अभी स्मॉल हैंड सेवन पे रहेगी यस यस स्मॉल हैंड सेवन सेवन पर और बिग हैंड टू पर तो क्या बोलेंगे बिग हैंड टू पे अब यहाँ पे पास हो गया टू पे हो गया तो टेन मिनट हमारा पास हो गया है ना Yes. 10 मिनट पास से yes, अगर 4 पे हो जाए बिग हैंड 20 मिनट पास फास्ट समझ आ गया हां 2 अब 2 में आपको नेक्स्ट देना है 2 में जरूरत नहीं 2 में आपको बेटा मैं इसे अरेंज कर रहा हूं अनदर एग्जांपल ले रहा हूं बहुत सारा यहां पे कंफ्यूजन हो गया तुम लोग को अब सिर्फ टू पे चलते हैं पास तो समझ में आ गया यू टेक ओनली टू पप ठीक है इट इज 3 12 6 9 हमारे पास पास्ट में है 7 8 9 10 and 11 and 12 ये डिजिट किस में है ये तो पास्ट में आ जाएगा 6 पास्ट में आ जाएगा 12 पे अगर बिग हैंड है इट मीन कंप्लीट 7 और 7 ओ क्लॉक या 8 ओ क्लॉक या ये क्लियर है दो चीज अनदर हमारे पास पास्ट के लिए 2 के लिए कौन कौन डिजिट है 7 8 9 10 11 अगर 7 पे रहेगा तो इट मीन 35 मिनट 8 पे है तो घट से चलेंगे तो सॉरी 7 पे है तो 25 मिनट्स 8 पे है तो 20 मिनट्स 9 पे है तो 15 मिनट्स 10 पे है तो इट मींस 10 मिनट्स 11 पे है तो 5 मिनट्स 2 अब जैसे हमने बना दिया स्मॉल हैंड्स 3 और 4 के बीच में ठीक है 3 और 4 के बीच स्मॉल हैंड बिग हैंड को हम ले चल रहे हैं 10 पे वेयर 10 अब देखो तो कितने मिनट आपसे मैं पूछूं तो आप बोलेंगे कि 3 बज के क्या पढ़ोगे बोलोगे या तो बोलोगे कि 3:50 हो रहे हैं या ये बोलोगे कि 10 मिनट बाकी हैं कितने 4 बजने में तो हमें यही बोलना है तो इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे हाउ टू एक्सप्लेन इन इंग्लिश 10 मिनट टू क्या लिखोगे तुम बोलोगे 10 मिनट्स टू नेक्स्ट डिजिट ले लेंगे 3 को छोड़ देंगे अगला 10 मिनट और बीतेगा तो क्या हो जाएगा 4 बज जाएगा 4 ठीक है तो आप कह सकते हो हिंदी में बोलते हो ना कि 10 मिनट बाकी है 4 बजने में बोलते हो लेकिन आप इसे इंग्लिश में क्या बोलोगे 10 मिनट्स टू 4 ओ क्लॉक यानी 10 मिनट में 4 बजेंगे ये 2 यही बताता है तो इधर जहां भी रहेगा अगर ये बिग हैंड्स 7 पे हो जाए तो यानी हमारा ये क्या हो जाएगा 25 मिनट्स देखो तो 1 2 3 4 5 यानी 25 मिनट टू 4 ओ क्लॉक यानी 25 मिनट के बाद क्या होगा 25 मिनट बाकी हैं कितने बजने में 4 बजने में तो 2 में हम आगे वाले आवर्स को लेते हैं किस आवर्स को और पास्ट में सेम आवर्स स्मॉल एंड जहां होगा उसी आवर्स को लेते हैं और इधर बिग हैंड पे हमें वाच करना है 7 पे है 25 मिनट देखो तो 5 मिनट 10 15 20 25 हुआ अगर ये हो जाए
देखो तो नाइन पे वेयर नाइन यानी कितने मिनट बाकी हैं चार बजने में? ओनली 15 मिनट्स, ओनली 15 मिनट्स, ओनली 50 मिनट्स। तो क्या लिखोगे? 50 मिनट्स। आपको बस जितना मिनट बचा है वो लिख देना, 50 मिनट्स टू नेक्स्ट डिजिट क्या है? 4। अगर स्मॉल एंड मैंने इंडिकेट कर दिया इन द बिटवीन 5 एंड 6, 5 एंड 6, अंडरस्टूड? इट मींस ये डिजिट चेंज हो जाएगा हमारा। 6 6 बजने वाले हैं, बजने वाले हैं ना? तो अब क्या होगा, 15 मिनट्स टू 6, 5 को नहीं लेंगे, 6 को लेंगे। किसको लेंगे? 6 को, अगले डिजिट को, अंडरस्टूड? यानी 25 मिनट टू 6, यानी 15 मिनट में क्या बजेगा? 6, ठीक है? एनी डाउट? अब आइए आप अपने बुक पे, थोड़ा सा बुक्स में दे दूं मैं आपको। यहाँ पे आफ्टर डिस्कसिंग द नेक्स्ट पेज, यस यू आर रॉन्ग, हु सेज? यस यू आर रॉन्ग, यू रीच स्कूल एट 7:10। How can you see these thin lines between the number? Yes, so what? The minutes and move across 10 after 12. Listen. अभी फेयर ओवर पे मत करो, बुक्स में करना है सारी सी एक्टिविटीज, बुक्स में करोगे। अब आओ यहाँ पे क्या कह रहे हैं, 10 मिनट पास 7 आ गया ना, 10 मिनट पास 7, यानी कौन सा है, क्या नाम है इसका, साजिया रीच टू स्कूल, हाउ मेनी टाइम टेक्स? 10 मिनट्स। तो टाइम क्या हो गया, 7 बजे वो अपना क्या करती है, घर से चलती है। दे सी स्टार्ट फ्रॉम स्कूल एट 7 o'clock, विच 7 o'clock, 7 बजे, और मिनट्स एंड 10 मिनट्स वो कर रहा है। इट मीन्स What? 10 मिनट पास 7, 10 मिनट पास 7, अंडरस्टूड? आई स्टार्ट फ्रॉम स्कूल एट 7, आई रीच एट 7:05, सी द मिनट्स एंड मूव अक्रॉस 5 लाइन। यहाँ पे घड़ी बनाया हुआ, देखो 7 बजे चलता है, दूसरे वाली वॉच में बुक्स में देखो अपने मिनट्स एंड वेयर इज 1 पॉइंट, किस पॉइंट पे है, 1 पे। सो 7:05 यानी 5 मिनट पास टू 7, 5 मिनट पास टू 7। अब एक प्रैक्टिस टाइम पे आ जाओ, जस्ट सो सी द बुक्स। 3 फ्रेंड्स रीड टाइम फ्रॉम क्लॉक, हु इज राइट, कौन सही है इसमें, चिकू, बिट्टू, पिंकी? टाइम देख के आप, यहाँ टाइम शो किया हुआ है उस पर करेक्ट करोगे। उसके बाद आइए नेक्स्ट पेज पे, पेज नंबर 37, डू इट इन योर बुक, बुक्स में ही करोगे, टाइम नहीं है बेटा। सो द फॉलोइंग टाइम्स इन द क्लॉक, आपको क्या बनाना होगा इस क्लॉक में, 2 हैंड्स बनाने होंगे, बिग हैंड्स एंड स्मॉल हैंड्स। देखो टाइम दिया हुआ 3:10, तो स्मॉल हैंड किधर होगा, 3 पे, और बिग हैंड कहाँ होगा, 2 पे, बिग हैंड कहाँ होगा, 2 पे। इस तरह से आप 1 2 3 4 5 6 छह घड़ियों में टाइम भरोगे। नीचे टाइम दिया हुआ है 7:35, 3:15, 2:20, 4:45, 6:40 एंड 3:10। 3:10 को क्या बोलेंगे बेटा, यस सर, घड़ी के नीचे में क्या लिखना है, किसमें सर, 2 पर, हाथ 2 पर, 2 का।